आज मैं यहाँ पे जितना भी मुझे मान सम्मान मिला या आज जो कुछ भी हूँ 3.5 साल में, एक ही इंसान के वजह से, अगर ये प्लेटफॉर्म के बारे में या आज उनका गाइडलाइन ना मिलता, अगर उनका साथ ना मिलता, तो आज शायद मैं आप सभी के बीच में यहाँ पे बोल भी नहीं पाता। तो वो कोई और नहीं जिनको मैं अपना दिल से गुरु मानता हूँ, वो मेरा मेंटर है, मेरा आइडियल है। तो एक बार मैं चाहता हूँ दिल से जबरदस्त क्लैपिंग चाहता हूँ जगदीश मीणा सर के लिए। बाकी जैसे कि मैं एक हाउस वाइफ हूँ, आज से 3.5 साल पहले जगदीश सर ने मेरे पास आया था इस प्लेटफॉर्म के इस सिस्टम के बारे में बोलने के लिए, और मुझे भी कुछ ना कुछ काम करने का तलाश था, क्योंकि मैंने जिंदगी में अपने जिंदगी में बहुत स्ट्रगल किया। मैंने मन में था कि मैं कुछ ऐसा काम करूं कि अपने पैर में खड़ा हूं, या जिंदगी में जो कुछ भी सपना है उसको मैं पूरा कर पाऊँ, या अपना परिवार का। और सबसे पहली बात है कि मेरा एक बेटा भी है, मैं चाहता हूं कि आज मुझे किसी के ऊपर हाथ ना फैलना पड़े, आज जो भी कष्ट मैंने किया वो कष्ट मेरा बेटा को ना करना पड़े। तो आज से 3.5 साल पहले मेरे पास जो सिस्टम लेके आया था, मुझे उस टाइम में ना प्रोडक्ट के बारे में जानकारी था, ना मुझे प्लान के बारे में जानकारी था। मुझे एक्चुअली उस टाइम में लॉकडाउन भी था, तो मैंने सिर्फ उनके ऊपर एक भरोसा किया था, क्योंकि मुझे लगा कि इस काम में अगर इस इंसान के साथ में अगर मैं इस काम में आ जाऊँ तो जिंदगी में कुछ कर पाऊँगा। क्योंकि जिस दिन उन्होंने मेरे घर पे या मेरा फूफू का घर में गया था, तो उस टाइम में मेरा फूफू ने मुझे बोला कि ये काम सब चलता नहीं है। उन्होंने मुझे बोला क्योंकि मैंने इससे पहले भी 3 साल कोई ना कोई कंपनी में अपने समय दिया था और वहाँ पे मैंने कुछ नहीं सीखा, तो ये गलत होगा, क्योंकि आज शायद वहाँ पे 3.5 साल नहीं देता तो आज मैं इस जगह पे भी नहीं पहुँचता, क्योंकि कहीं पे समय देके वो आपका बर्बाद नहीं होता। वहाँ पे मुझे कुछ ना कुछ समझ में आया इस काम के बारे में, और उसके बाद मैंने जो मेरा फूफू ने मना किया कि मत करो ये काम, ये सब काम चलता नहीं है, ये पहले तुम कर भी चुके हो, कुछ होता नहीं है, तो मैंने बोला मुझे काम पता नहीं है, लेकिन मुझे इंसान, क्योंकि मैंने उस इंसान को देखा था बहुत हार्डवर्किंग, या उन्होंने आपका मान लीजिए कभी किसी के साथ मतलब हर टाइम, आज 3.5 साल पहले जैसे उन्होंने ग्राउंड में साथ में था, आज भी अगर इस जगह पे आया हूँ तो जब भी उनसे टाइम मांगू, जब भी साथ मांगू, तो आज भी मेरे साथ खड़ा है। तो इसलिए मैं जिंदगी भर मर के दम तक उनका आभारी रहूँगा। तो ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, क्योंकि आज गुरुजी भी है यहाँ पे, क्योंकि आज हम लोग ने मान लीजिए जो टारगेट भी चल रहा है या गोवा टारगेट भी चल रहा है, उनका भी नॉलेज लेना है। तो मैं सभी से धन्यवाद करता हूँ, नमस्कार।